Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. Again, our second lecture is fraction and decimal se related. And as we have told you previous time, that we are going to do multiplication and division today in fractions. Ka. So, chaliye, without wasting any time, let's start. Karte hain. So, as you can see here, we have a question in which हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फ्रैक्शनल वैल्यू लिया है और एक कांस्टेंट नंबर लिया है सो हम से सॉल्व करके देखते हैं सो यहां पे हम क्या करने वाले हैं क्योंकि यहां पे ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है सो हम इसका डिनोमिनेटर अज्यूम करने वाले हैं 1 एंड देन हम इसे क्या करने वाले मल्टीप्लाई करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में बहुत सिंपल है आपको न्यूमरेटर वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करना है 2 into 1 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करना है 1 into 5 एंड दिस इज हाउ यू गॉट 2 1s आर 2 एंड 5 1s आर 5 तो हमारा आंसर आ गया है 2/5 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अगेन यहां पे मेरे पास वैल्यू है 77 into 4 सो ऑब्वियसली कर लेते हैं इसको 77 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 अज्यूम करेंगे एंड 4/7 आप चाहे तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए कैंसिलेशन पहले कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 7 1s are 7 एंड 7 11s are 77 अब आपके पास जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो है 11 into 4 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू है 1 into 1 दैट मींस आपका आंसर होगा 44/1 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो वैल्यू है वो है 20 डिनोमिनेटर में अगेन हम अज्यूम करेंगे 1 एंड 4/5 कैसे करने वाले हैं हम इसको अगेन जैसे मैंने आपको बोला था आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए 5 1s are 5 5 4s are 20 सो हमारे पास यहां पे डिनोमिनेटर में है 4 into 4 into 1 into 1 दैट इज वी गेट 4 4s are 16 16/1 ठीक है I think you all got it. चलिए अब हम division पे चलते हैं. Division में क्या करने वाले हैं हम? Division में एक simple सा चीज़ है कि division आप directly नहीं कर सकते क्योंकि fraction का division करना directly possible ही नहीं है. तो उसके लिए हम एक term use करने वाले हैं जिसे बोला जाता है reciprocal. जिसे क्या बोला जाता है? Reciprocal. सो भी reciprocal है क्या? Reciprocal देखिए हम simple term में समझते हैं उसको. जैसे यहाँ पे 12 है. मैंने लिख दिया 12 को. ठीक है? अभी यहां पे डिवाइड है पर मुझे अभी डिवाइड नहीं करना है तो मैं क्या करूंगी मैं इस डिवाइड के टर्म को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दूंगी डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करूंगी पर जैसे ही मैं इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करूंगी हमारे पास एक पावर होती है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो फ्लिप हो जाएगा दैट मींस उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो दैट मींस यहां पे होगा 4/3 सो अब तो ये आपके प्रीवियस सम्स मल्टीप्लिकेशन की तरह हो गया है तो आप इसको लिख लीजिए 12 डिनोमिनेटर में 1 4/3 कैंसिल करेंगे 3 1s are 3 3 4s are 12 और अब हमारे पास बच रहा है 4 4s are एंड नीचे 1 1s are दैट मींस 16/1 सिमिलरली यहां पे देखिए फिर से करते हैं सेम चीज क्या करेंगे 3 को एज इट इज रखते हैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे अब पर एक दिक्कत हुई है कि यहां पे हमारा जो सम है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है मिक्स फ्रैक्शन में है ठीक है तो हम पहले इसको क्या करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले डिवाइड को एज इट इज रहने दीजिए और इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए 3 2s are 6 एंड 6 + 1 7 तो हो गया 7/3 अब क्योंकि ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है तो हम क्या करेंगे 3 डिवाइड की साइन रिप्लेस करके मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट मींस 3 ऊपर 7 नीचे उल्टा हो जाएगा एंड देन क्या मिलेगा हमें 3 into 3 1 into 7 सो हो जाएगा 3 3s are 9 एंड 1 7s are 7 दैट इज 9/7 क्लियर होप यू ऑल आर गेटिंग दिस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं यहां पे देखिए पहला तो मेरा ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है 2/3 डिवाइड की साइन को मुझे रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से जैसे ही डिवाइड को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो फ्लिप हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका दैट मींस हो जाएगा 3/1 कर लेते हैं मल्टीप्लाई तो 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3 सो इसे कटिंग कर लीजिए 3 1s are 3 3 2s are दैट मींस आंसर आ गया मेरा 2/1 दैट इज आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी तरीके का मल्टीप्लिकेशन टर्म ही है बट एक अलग तरीके से है तो इसमें और जो हमने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन सीखा उसमें क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे 1/2 है उसको हम एज इट इज लिखेंगे ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम पहले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कर लेते हैं क्या होगा 4 2s are 8 and 8 plus 3
11, 11 by 4. अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई ऊपर 1 इंटू 11 एंड नीचे 2 इंटू 4, सो हो जाएगा 11 बाय 8. नेक्स्ट एक और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. ये है 5 बाय 8. ऑफ की जगह मल्टीप्लायर से रिप्लेस करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो फिर से करते हैं. 6 3 जा 18 एंड 18 के में और आप 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू? 23 बाय 6. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 इंटू 23 एंड यहाँ पे आपका 8 इंटू 6. एट सिक्स 48. सो ये रही हमारी वैल्यूज, हमने कर लिया है ऑलरेडी ये, ठीक है? सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है. होप आप सबको समझ में आया होगा हमने अभी तक जो भी सम्स किए हैं. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 2.1 एक्सरसाइज है, और वहां पे हम इन्हीं सम्स की प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.